हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं एर्थ क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 9.5 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा दूसरा। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको चार पार्ट जो हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं। आज तीन पार्ट रह गए थे, वो आज कंप्लीट कराएंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए सर्व संख्या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए वी का उपयोग कीजिए। मतलब जो सर्व संख्या दी गई है उसी का हमें उपयोग करते हुए लगाना है। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारा दूसरे का पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है हमारा समीकरण दिया गया, 2x प्लस 5y, फिर दिया गया है 2x प्लस 3y। ठीक है, ये हमको दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे दोनों ब्रैकेट दिए गए हैं उनमें ये पहला वाला तो सेम है पर दूसरा वाला जो है दोनों में अलग है। अलग है मतलब तो हमारी सर्व संख्या जो है इन्होंने फ़िलहाल दे दी है, कभी कभी नहीं दी होती है तो हमें पहचानना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्व संख्या एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी से। मतलब ये वाली सर्व संख्या इन्होंने कहा है यूज करके आंसर दो। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हमारा यहाँ पे ए क्या है, पहले तो हम एक्स भी लिखेंगे। यहाँ एक्स जो है वो हमारा क्या है, एक्स जो है वो हमारा एक्स की जगह पे क्या लिखा है, टू एक्स लिखा हुआ है तो वो हमारा 2x है। ए हमारा क्या है, तो ये हमारा है 5y। ठीक है, और बी हमारा क्या है, ये हमारा 3y। ठीक है, इतना जो है वो हमको दिया गया है, ये दो इतनी चीज़ दी गई है और हम सब ये जो मान है इसमें रख देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था वहाँ पे हम उतार लेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है उसको उतार लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा 2x प्लस 5y 2x प्लस 3y। ठीक है, तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर, मतलब x क्या है 2x, मतलब इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी, तो a है 5y, b है 3y। ठीक है, और x जो है वो है हमारा 2x प्लस ए बी, मतलब 5y मल्टीप्लाई में 3y। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 3 8y हो जाएगा और इसकी गुणा होगी हमारी 2x से, ये 5 3 15 और वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या 4y स्क्वायर जो था, हमने 4x स्क्वायर जो था वो हमने लिख लिया, प्लस 8 2 16 xy प्लस 15y स्क्वायर। इसके आगे अब सॉल्व नहीं हुआ तो समझ लो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप सब लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम कराएंगे। ठीक है, तो ठीक है, नोट हो गया। अब कराएंगे हम अपना छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, तो हम इसको रफ कर दें, क्वेश्चन को रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सर्व संख्या हमारी यही लगेगी। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये दिया गया है छठवां, ये है 2a स्क्वायर प्लस 9 और 2a स्क्वायर प्लस 5, ये हमको दिया गया है। तो x की जगह पे जो दोनों में लिखा हुआ है वो हमारा सेम है,
यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा सेम है वैसे ही इसमें भी सेम है। तो मतलब x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई, 2a² a जो है वो हमारा 9 है और b जो है वो हमारा 5 है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। ओ जो ये यही रखा रहने दो, और तुम पढ़ो जाके वो बुक पढ़ो जाके, ठीक, ये बाद में उठा लेना, बुक पढ़ो जाके प्रीति से, ठीक, ये नहीं बुक पढ़ो जाके जा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है वो हम लिख लेंगे, 2a² + 9 2a² + 5। तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब 2a² प्लस a प्लस भी मतलब 9 + 5 एक्स मतलब 2a² ए बी मतलब 9 × 5, ठीक है। ये लिख लीजिए जल्दी से। अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 का² 4 a², ठीक है, 9 × 5 = 14 और गुणे में हमारा हो जाएगा 2a² और 9 × 5 = 45, ठीक है। अब ये हमारा 4a² ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। और 14 × 2 क्या होता है हमारा, क्या होता है 14 × 2 2a² है ना यहाँ पे, तो हमारा देखिए ध्यान रखिएगा 2a² था, ठीक है, x का मान, अब इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे कि x का मान 2a² था तो हमने x का मान 2a² लिख दिया, ठीक है। तो 2 और 2 की घात हमारी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी घात, 4 आ जाएगी। और 14 × 2 हमारा क्या होता है, 28a², ठीक है, + 45। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यही जो है, ये जो आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ये वाला समाप्त हो गया है, ठीक है, नोट हो गया आपका, क्या रफ करें इसे। रफ करते हैं, अब करेंगे हम अपना 7वां वाला क्वेश्चन। सातवां वाला पार्ट देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। तो 7वां पार्ट जो है ये है, एक्स वाई जेड -4, फिर है एक्स वाई जेड -2, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो सॉल्व करने पे देखते हैं हमारा, सबसे पहले तो ये जैसे यहाँ पे x और x सेम था वैसे ही ये और ये हमारा सेम है, और ये चेंज है, यहाँ पे भी ये चेंज है, मतलब यही सिर्फ समीका इसमें लगनी है। तो x की जगह पे हमारी वैल्यू रखी है एक्स वाई जेड, ए की जगह पे है -4, बी की जगह पे है -2, ठीक है, ये दिया गया है। अब हम ये जो क्वेश्चन दिया है वो उतार लेते हैं, xyz - 4 xyz - 2, ठीक है, ओपन कर लेंगे फॉर्मूला, x² मतलब इसका स्क्वायर, xyz का स्क्वायर, a प्लस बी मतलब -4 प्लस टेबल पर, ठीक है, टेबल पर -2, दोनों को हमने a प्लस बी कर लिया हमने, और इंटू एक्स बराबर एक्स का मान है हमारा xyz, ठीक है, प्लस हमारा a भी है मतलब -4 × -2, ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो मतलब x के ऊपर भी स्क्वायर, y के ऊपर भी स्क्वायर, z के ऊपर भी स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 प्लस और माइनस की गुणा माइनस आया -2 xyz, ठीक है, माइनस और माइनस की गुणा हमारी प्लस हुई, और 4 × 2 हमारा 8 होता है।
अब हम क्या करेंगे, ये वैसे ही बस उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये माइनस माइनस हमारे जुड़ के माइनस का 6 हो जाएगा, एक्स वाई जेड और प्लस का 8 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास जो है उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, शेयर करना आपको किसी भी हालत में नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा आप बैक करके।